किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। में हूँ संदीप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बकरी पालन होता है उसमें से काफ़ी ऐसी नस्लें हैं जिन्हें आप पालकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और उनमें से ही एक नस्लें हैं सिरोही बकरी, जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं, और राजस्थान के अलावा ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं, गुजरात में भी पाई जाती हैं, और ये एक मध्यम नस्ल की बकरी हैं जो कि आप काफ़ी आसानी से इसका पालन पोषण कर सकते हैं। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बकरी पालन शुरू करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिरोही बकरी को स्टॉल फीडिंग पर रख सकते हैं, कोई भी बकरी हो दोस्तों, बकरियों को सबको चराना पड़ता है। यह हमारी एक सोच बन जाती है कि भाई हम इनको बांध कर रख सकते हैं, गाय बकरी इन्हें आप बांध कर नहीं रख सकते, विदेशी नस्लों को आप बांध कर रख सकते हैं, परंतु हमारी देसी गाय भी जो होती है उनको भी चराना पड़ता है, हम मजबूरी में उनको बांध देते हैं, वो बात अलग हो जाती है। तो जब भी आप बकरी पालन करें तो अपना मैनेजमेंट जमा के फिर ही बकरी पालन शुरू करें, क्योंकि इनको चराना पड़ता है आपको। और सिरोही बकरी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। ये एक मध्यम आकार की बकरी है, काफ़ी गठीला शरीर इसका होता है, और एक चॉकलेट कलर में बकरी होती हैं, या फिर भूरा रंग इसका आप कह सकते हैं, और इसके शरीर पर हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं जिससे आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं, पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लटके हुए कान होते हैं और इनके सींग जो हैं अन्य बकरियों की तुलना में पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, यानी कि गर्दन की तरफ जाते हैं इनके सींग पीछे, इससे आप काफ़ी आसानी से इनको पहचान सकते हैं। पहचान में काफ़ी अलग ये बकरियाँ होती हैं, हाइट भी काफ़ी सुपर इनकी होती है, और थोड़े मोटे बाल इनके शरीर पर होते हैं। जो प्रौढ़ नर बकरा जो होता है उसका वजन 50 से 60 किलो तक हो जाता है, और बकरी का जो वजन है 40 किलो तक हो जाता है। बकरे की जो लंबाई है वो कम से कम 80-85 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं, और बकरी की जो लंबाई है वो 62-65 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। ये बकरियां दूध के मामले में तो आप इन्हें अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि ये प्रतिदिन का आधा किलो दूध 700-800 ग्राम दूध ये देती है, और इनकी जो एक ब्यांत की जो औसतन उपज होती है दूध की, ये कम से कम ये मान लो आप 60 किलो दूध एक ब्यांत में दे देती हैं एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद, और इनके जो डबल बच्चे देने की संभावना होती है वो 50% होती हैं, यानी कि ये आधी बार ये दो बच्चे को जन्म से दे सकती हैं और आधी बार ये एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। तो आप ये मान लो कि सिरोही बकरी जो हैं एक साल में कम से कम दो साल में ये तीन बार बच्चे को जन्म देती हैं, यानी कि दो साल में ये बकरी तीन बार बच्चा देगी, जिसमें से आपको चार बकरे तो न्यूनतम मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि चार बच्चे आपको निश्चित ही मिलेंगे। और चरने की बात की जाए तो ये बकरियाँ चरने में भी काफ़ी अच्छी होती हैं, इन्हें काफ़ी अच्छा खाना पसंद होता है। ये जानवर जिज्ञासु जानवर होते हैं, यानी कि खट्टे मीठे नमकीनी कड़वे सभी तरह के चारे को खाने में सक्षम होते हैं, और इनको मैं जैसा कि बोल रहा हूँ चरा सकते हैं बाहर, और आपका जो मैनेजमेंट है उसका खर्चा भी कम हो जाएगा अगर आप इन्हें बाहर चराते हैं। तो इस तरीके से बकरी पालन में क्या है कि अच्छी नस्लें आप चुनें, उसके बाद ही आप बकरी पालन शुरू करें, और अगर आप ट्रेनिंग लें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से क्या है कि आपको छोटी छोटी बातें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। तो मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि आप कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो आपको आई बटन में दे दूँगा, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए बकरी पालन हो सकता है। और दोस्तों मैं डेयरी फार्मिंग पे भी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं पोल्ट्री फार्मिंग पे भी वीडियो बनाई थी, तो मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप नए नए बिजनेस के बारे में जान सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।